हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद पीडी। तो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 3, जो लास्ट टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, और इसमें हमें एक डिजीज पढ़ना है जो है पेप्टिक अल्सर। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के बारे में। तो इसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो कंपोनेंट मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GIT ट्रैक भी बोला जाता है, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है, इसमें माउथ, ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस आता है। इसी प्रकार से डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लाडर आता है। तो ये क्या होता है, सब ऑर्गेन और ग्लैंड मिलके डाइजेस्टिव जूस उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, जिसके वजह से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही दोनों प्रोसेस और कंपोनेंट मिलके हेल्प इन कोऑर्डिनेशन टू कंप्लीट द डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर। कहने का अर्थ, डाइजेस्टिव सिस्टम में या ऑर्गेन में कोई डिजीज होने की वजह से जितना अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन होता था उतना अमाउंट में नहीं होगा, जिसके वजह से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स इंक्लूड डिजीज अफेक्टिंग एनी ऑर्गेन। जो डिजीज होगा वो कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गेन को इफेक्ट करेगा, जिसके वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसमें कुछ डिसऑर्डर दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर हो सकता है, नेक्स्ट लिवर सिरोसिस, दूसरा कोलोरेक्टल कैंसर, और नेक्स्ट है गॉल स्टोन। ये कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें से हमें डिस्कस करना है पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसका क्या साइन सिम्टम है, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सुने होंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है पेप्टिक अल्सर, अ कंडीशन इन व्हिच वुंड्स अपीयर इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक और डियोडेनम। जो स्टोमक और डियोडेनम का लाइनिंग है वहीं पे उन लोग का फॉर्मेशन हो जाता है, कहने का अर्थ वहीं पे घाव हो जाता है, एलोंग विथ बर्निंग स्टोमक पेन। उसके साथ साथ स्टोमक के अंदर पेन होता है, उस कंडीशन को पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इन दिस केस अ लो pH पेप्टिक जूस और एसिड सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्टोमक और डियोडेनम। कहने का अर्थ, जो स्टोमक और डियोडेनम का वॉल है उसके द्वारा जो पेप्टिक जूस बनता है उसका pH कम होता है, जिसके वजह से उंड का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल जो गैस्ट्रिक जूस का pH होना चाहिए वो 2.7 होता है, लेकिन पेप्टिक अल्सर के केस में जो गैस्ट्रिक जूस का pH है वो 2 से कम हो जाता है, जिसके वजह से जो स्टोमक का लाइनिंग है वहाँ पे उंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे किस कारण से पेप्टिक अल्सर होता है। तो बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पायरोली एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नसेड्स आर द मेन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम के बैक्टीरिया के वजह से, या अगर लॉन्ग टाइम तक हम नसेड्स को यूज करेंगे, नसेड्स कहने का अर्थ पेन किलर जिसको हम बोलते हैं, अगर लॉन्ग टर्म तक हम इसको यूज करेंगे तो इसके वजह से पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं, थ्रू पेप्टिक अल्सर्स कैन अकर्स एनीवेयर इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहने का अर्थ क्या हुआ कि माउथ से लेकर एनस तक में जितना भी पार्ट हमारे बॉडी का इन्वॉल्व होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और इस एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पे अल्सर हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन 98-99% साइट फॉर देयर अक्रेंस इंक्लूड द डियोडेनम और एस्टोमक। कहने का अर्थ क्या हुआ कि 98-99% चांसेज है जो अल्सर होने का वो डियोडेनम में होगा, नहीं तो एस्टोमक के अंदर होगा, और इसका जो रेशियो है, कहने का अर्थ जो चांसेज है वो 4:1 है, 4% चांसेज होता है डियोडेनम में अल्सर होगा, नहीं तो एस्टोमक के अंदर
अल्सर होगा, और 1% चांस होता है स्टोमक और डियोडेनम के छोड़ के जो दूसरा पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल में आता है उसके अंदर अल्सर होने का। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कितना प्रकार का होता है? तो पेप्टिक अल्सर मेनली दो टाइप का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा डियोडेनम अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर कहने का अर्थ क्या हुआ कि स्टोमक के अंदर ए अल्सर होगा, और डियोडेनम अल्सर कहने का अर्थ ए अल्सर जो होगा वो डियोडेनम के अंदर होगा, डियोडेनम जो पार्ट है उसके अंदर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम गैस्ट्रिक अल्सर में लिखेंगे, दिस इज अ टाइप ऑफ अल्सर। जो गैस्ट्रिक अल्सर है क्या है? अल्सर का ही टाइप है। इफेक्ट द स्टोमक लाइनिंग, जो क्या करता है, स्टोमक का लाइनिंग है वहीं पे इफेक्ट करता है, वहीं पे घाव का फॉर्मेशन होता है। एंड मे बी एक्यूट और क्रोनिक, ये क्या हो सकता है? एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर इज कैरेक्टराइज बाई पेन। इस कंडीशन में क्या होता है? स्टोमक के अंदर पेन होता है, वाइल द फूड इज स्टिल इन द स्टोमक। हमारे पेट के अंदर खाना भी प्रेजेंट होता है फिर भी इस कंडीशन में पेन होता है। एंड एराइजेज विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड ए अराइज होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ही पेन होता है स्टोमक के अंदर आफ्टर फूड कंजम्पशन, फूड लेने के बाद। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डियोडेनम अल्सर, ये क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अल्सर, ये भी अल्सर का टाइप है। इट इफेक्ट द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डियोडेनम अल्सर है इस कंडीशन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अपर पार्ट है उसको इफेक्ट करता है। इट में भी एक्यूट और क्रोनिक, ये भी एक्यूट हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है डियोडेनम अल्सर। इट इज कैरेक्टराइज बाई पेन व्हेन द स्टोमक इज एम्प्टी। इस कंडीशन में क्या होता है, जब पेट खाली होता है उस टाइम पे पेन होता है, और मे रिजल्ट आफ्टर सेवरल आवर ऑफ फूड कंजम्पशन, या बहुत देर बाद जब हम खाना लेते हैं तो उस टाइम पे पेन होगा डियोडेनम अल्सर के कंडीशन में। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी, कहने का अर्थ पेप्टिक अल्सर होने का कारण क्या है हमारे बॉडी के अंदर। तो फॉलोइंग आर द इटियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर इज गिवन बिलो। कुछ पेप्टिक अल्सर कराने वाला जो कॉजेटिव एजेंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्टिंग स्टोमक एंड कॉजिंग इन्फ्लामेशन। जो हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम के बैक्टीरिया है ये क्या करता है, जो हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम के बैक्टीरिया है ये स्टोमक के अंदर इन्फेक्शन करता है, जिसके वजह से स्टोमक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्टोमक के अंदर स्वेलिंग आता है, पेन होता है, रेडनेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेसेट्स लाइक एस्पिरिन आइबुप्रोफेन ईटीसी यूज फ्रीक्वेंटली। यदि हम जल्दी जल्दी कम ड्यूरेशन में अगर हम नेसेट्स को यूज करेंगे, जैसे बॉडी के अंदर कहीं पे पेन हुआ और हम जाके नेसेट्स मेडिसिन ले लेंगे, पेन किलर ले लेंगे, जिस कंडीशन के वजह से दिस इंक्रीज रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये क्या कर सकता है, पेप्टिक अल्सर होने का जो रिस्क है, जो चांसेस है उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मोकिंग, स्मोकिंग के वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियोथेरापी। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहलिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल को कंजम्पशन करने की वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैंसर ऑफ स्टोमक, अगर स्टोमक के अंदर लॉन्ग टाइम तक कुंड हो गया या घाव हो गया जिसके वजह से वो कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव एजेंट है जो पेप्टिक अल्सर हमारे बॉडी के अंदर कॉज कराता है। तो ये हुआ इटियोलॉजी, जिसके वजह से पेप्टिक अल्सर हमारे बॉडी के अंदर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में, कहने का अर्थ जो पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है उसमें किस प्रकार का साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। तो फर्स्ट है पेन इन एब्डोमेन, पेट के अंदर पेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट बर्निंग, हार्ट में बर्निंग जैसा सेंसेशन आएगा, नौजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, फैटिग, थकान फीलिंग होंगे इस टाइम पे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल में क्रैम्प्स हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनडाइजेशन, कहने का खाना अच्छा से डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ वेट, बॉडी का जो वेट है वो भी लॉस होगा। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम हुआ जो एक पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर हमारे बॉडी के अंदर कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले जो हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम के जो बैक्टीरिया है ये रिलीज करता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन कहने का अर्थ क्या हुआ, पॉइजन सबस्टांसेस, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको टॉक्सिन बोलते हैं।
वो क्या करेगा, डैमेज गैस्ट्रिक एंड डिओडेनल म्यूकोसा। जो डिओडेनल या जो स्टोमक का म्यूकोसा है, जो लाइनिंग है, उसको डैमेज कर देता है, जिसके वजह से रिड्यूसिंग द इपिथेलियम रेजिस्टेंस टू द एसिड डाइजेशन, जिसके वजह से क्या होता है कि एसिड का जो डाइजेशन करने का जो क्षमता था वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी के अंदर, स्टोमक के अंदर एसिड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है और वो जो म्यूकोसल लेयर है उसको डैमेज करके उंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉजिंग गैस्ट्राइटिस, कहने का जो गैस्ट्रिक एरिया है उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है, जिस कंडीशन को अल्सर डिजीज बोलते हैं या पेप्टिक अल्सर। तो इस प्रकार से पेप्टिक अल्सर हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम के बैक्टीरिया की वजह से।